नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहन खंडेलवाल है और मैं सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में ब्रेस्ट सेंटर का हेड हूँ। आज जिस विषय पर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत ही ज़रूरी विषय है, स्पेशली उनके लिए जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है। जिस भी ब्रेस्ट कैंसर मरीज की कीमोथेरेपी चालू होती है वो एक सवाल हमसे ज़रूर पूछते हैं कि हमें खाने में क्या खाना चाहिए। हम जानते हैं कि कीमोथेरेपी के दौरान जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो इन्फेक्शन से लड़ती हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है थोड़े समय तक, एंड शरीर में इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। तभी खाना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। सबसे पहले हम ये रेकमेंड करते हैं कि खाना जो है वो सारे पौष्टिक आहार मिलने चाहिए, एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। एंड हमारी सबसे पहली रेकमेंडेशन ये रहती है कि 2 या 3 बार खाने की जगह आप दिन में 5 या 6 बार छोटा छोटा पोर्शन लें, वो बेहतर रहता है रादर देन बहुत ज़्यादा खाना एक बार में खाने से। ऐसा करने से एक तो आप हर कुछ समय पर ज़्यादा पौष्टिक आहार ले पाएंगे और आपका पेट ज़्यादा फूला हुआ नहीं लगेगा, आपको उल्टी होने के कम चांसेस होंगे। दूसरा, हम ये कहते हैं कि फ्रेश खाना खाना है, बासी खाना नहीं खाना। अगर सुबह खाना बना है तो वो दोपहर से पहले वो खाना ख़त्म हो जाए और दोपहर आप शाम के लिए और रात के लिए नया खाना बनाएं। बासी खाना खाने से इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तीसरी चीज का जो ध्यान रखना है कि खाना पका हुआ हो। जितना ज्यादा हम पका हुआ खाना खाएंगे बेहतर है, कच्चा खाना अगेन इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है। जो भी फल या जो भी सब्जियां जिनका छिलका उतारा जा सकता है वो आप सब्जियां खा सकते हैं। फल जैसे स्ट्रॉबेरी, अंगूर जिनका छिलका नहीं उतर सकता, या प्लम जिसका छिलका नहीं उतर सकता, उसमें गंदगी रहने के चांस रहते हैं और इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो प्लीज सैलेड को भी अच्छे से छील के अच्छे से धो के खाएं, वो बेहतर रहता है। कीमोथेरेपी के दौरान कई मरीजों को में ये होता है कि उनको मीठा पसंद आने लगता है, या कईयों को ज़्यादा नमकीन खाना या तीखा खाना पसंद आने लगता है। तो जो पहली कीमोथेरेपी होती है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका टेस्ट किस दिशा में जा रहा है, आपको क्या पसंद आ रहा है। एंड जो आपको पसंद आता है आपको खाना वैसा ही बनवाना चाहिए। ऑफ कोर्स ज़्यादा मिर्ची नहीं डालें, नहीं तो गैस्ट्राइटिस गैस होती है और आपको दस्त लगने के भी चांसेस रह सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपका टेस्ट है उसके स्वाद अनुसार खाना बनवाएं, उससे आप रेगुलर पोषण अपने शरीर में डाल पाएंगे। कई लोगों को ठंडा खाना पसंद आता है कीमोथेरेपी के दौरान, एंड हम उनको रेकमेंड करते हैं कि आप थोड़ी सी आइसक्रीम या स्मूदी या शेक्स के द्वारा भी आप वो ले सकते हैं खाना। उसी के अंदर आप सीड्स डाल दिए आपने थोड़े से, या फ्रूट्स उसी के अंदर डाल दिए, जिससे आपको सारे पौष्टिक आहार मिल रहे हैं। कई मरीज पूछते हैं कि क्या हमें प्रोटीन पाउडर लेने की ज़रूरत है। सो देखिए, एडिक्वेट प्रोटीन जाना चाहिए, चाहे आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, प्रोटीन आपके खाने से मिल सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आप उतना खाना नहीं खा पा रहे या किसी वजह से कीमोथेरेपी में आपकी एपेटाइट कम हो गई है, तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप प्रोटीन पाउडर से वो प्रोटीन को सप्लीमेंट करें। So, ये कुछ टिप्स थे जो कीमोथेरेपी के दौरान आप फॉलो कर सकते हैं, या आपके कोई जानकार जिनको कीमोथेरेपी मिल रही है उनको बता सकते हैं। पर खाना खाना रेगुलर इंटरवल्स में बहुत जरूरी है कीमोथेरेपी के दौरान, जैसे आपको प्रॉपर एनर्जी मिलती रहे। अगर आपके और कोई सवाल है तो आप जरूर नीचे लिखें कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल आंसर देम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल। थैंक यू।